गिरिपार के कई गांव में आज भी मंदिर प्रांगण से विशेष मशालों से लाई गई आग से जलते हैं दीपावली के दिए। क्षेत्र में सप्ताह भर मनाई जाती है दिवाली। 14 अमावस, पड़ोई दूज, तीज व चौथ आदि नामों से सप्ताह भर दीपावली मनाई जाने के एक माह बाद कई गांव में मनाई जाती है बूढ़ी दिवाली। सिरमौर जनपद की सदियों पुरानी संस्कृति व परंपराओं को संजोए रखने के लिए मशहूर गिरिपार क्षेत्र के कई गांवों में आज भी दीपावली के दिए जलाने के लिए देवता के प्रांगण से कठोले कहलाने वाली विशेष मशालों से आग लाई जाती है। अमावस्या की रात को आसमान में पहला तारा दिखते ही मशाल यात्रा शुरू होती है और लोग इन मशालों की आग से ही अपने घर के दिए जलाते हैं, जिन्हें अगली सुबह तक बुझने नहीं दिया जाता। इलाके में जहाँ दीपावली से एक दिन पूर्व छोटी दिवाली पर चौदश पर्व मनाया जाता है, वहीं दीपावली के अगले दिन पड़ोई पर बेल व कुल देवताओं का पूजन होता है और इसके बाद दूज, तीज, चौथ व पंचमी आदि नामों से सप्ताह भर दिवाली मनाई जाती है। दीपावली के एक माह बाद इलाके के विभिन्न गांव में बूढ़ी दिवाली आयोजित होती है और जिन गांव में दिवाली पर सांस्कृतिक कार्यक्रम अथवा बूढ़े चुनरित्य नहीं होता, वहाँ बूढ़ी दिवाली पर सांस्कृतिक संध्याएं आयोजित की जाती है। दिवाली व बूढ़ी दिवाली के दौरान क्षेत्र में बूढ़े चू कहलाने वाला विशेष लोक नृत्य व गायन होता है और इस दौरान विशेष समुदाय से संबंध रखने वाले लोक कलाकारों द्वारा सिरमौरी वीर गाथाओं के अलावा फास्ट बीट का बूढ़े चू अथवा बुढ़िया चू लोक नृत्य भी प्रस्तुत किया जाता है। बहरहाल सदियों बाद भी क्षेत्र में दीपावली को मनाने का अंदाज नहीं बदला और पाश्चात्य संस्कृति के बढ़ते प्रभाव के बावजूद ग्रेटर सिरमौर की परंपराएं कायम है।